क्या आप भी अपने मौज लाइट ऐप की आईडी या अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मौज लाइट के ऐप की आईडी को या अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं, उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहां देखिए अपने मोबाइल पर है और यहां पर देखिए मौज लाइट में हम अपनी पुरानी आईडी को लॉगिन करने वाले हैं। उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको मौज लाइट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। फिर इसके बाद आप ओपन करेंगे और आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में आपके सामने कुछ इस तरीके से वीडियो आएगी। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज करने का आएगा कि आप यहाँ पर कौन से लैंग्वेज में इसको यूज करना चाहते हैं। यहाँ देखिए ये वीडियो आई, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज कर लेनी है। नीचे सेलेक्ट करेंगे और हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी भाषा को यूज करते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है यहाँ पर कोई भी आईडी नहीं, अगर हम चाहे तो यहां से लाइक भी कर देंगे तो लाइक हो जाएगी वीडियो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है तो नीचे आएंगे, यहां देखिए प्रोफाइल लोगो का आइकन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली यहां पर नीचे कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपने जो यहां पर आईडी बनाई थी वो फेसबुक के जरिए बनाई थी या गूगल के साथ, यहां पर लिखा है कंटिन्यू विद गूगल या फिर कंटिन्यू विद फेसबुक या फिर कंटिन्यू मतलब विद फोन नंबर। तो ज्यादातर क्या ना लोग फोन नंबर से ही अपनी आईडी बनाते हैं, जहां पर किसी भी एप्लीकेशन में बनाना होता है तो फोन नंबर से बनाते हैं। अगर आपको जिसके साथ बनाया था उसी के साथ आपको क्लिक करना है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपने किसके साथ बनाई है तो आप बारी बारी करके सब पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग फोन नंबर से बनाते हैं। तो यहां पर मैं फोन नंबर पर क्लिक करता हूं, नीचे देखिए आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर आपको जो अपना फोन नंबर होगा वो आपको यहां पर फोन नंबर डाल देना है। जैसे ही आप अपना फोन नंबर डालेंगे तो यहां पर देखिए OTP जाएगा और आपके यहाँ पर जो OTP आएगा सिंपली आपको अपना यहाँ पर OTP डाल देना है। और जैसे ही अपना यहाँ पर OTP डाल देंगे तो OTP डालने के बाद जो आपको आएगा वो आपकी आईडी जो होगी वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो इसमें एक एरर चल रहा है तो हमारे में नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है। आपकी जो पुरानी आईडी होगी बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।